हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाठक ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन का, थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता है अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो अब हमें क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? तो हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब पूछा जाएगा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, अभी हमसे इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा था, अब तो ये आंसर दे देते, तो इसका अब इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, तो अब हमें एक्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ये बेसिक लेवल हमारा, ये थोड़े पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये पहले इंटीग्रेशन आई से डिनोट करते हैं, और ये ब्रैकेट होता है इसका इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स, मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें होता है x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या कर दिया। देखो, पावर में प्लस 1 करना है, और वही पावर नीचे अपॉन में करके उसमें भी प्लस 1 करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कहलाया जाएगा ये। ठीक है, और प्लस सी क्यों किया? अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में। प्लस सी हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो, मैं एकदम समझा देता हूँ आपको अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाता है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। लेकिन इधर तो 2 भी था, हमें तो इस टाइम पता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन हमें दे दिया 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन निकालो, तो हम बोलेंगे एक्स। प्लस सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन में कहीं कोई कांस्टेंट हो और उसका डेरिवेटिव करके 0 बन गया वो। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस सी लगा देते हैं कि मतलब क्वेश्चन, मतलब जिसका हमने डेरिवेटिव किया है और 1 जो आया है, तो उसमें कहीं कोई कांस्टेंट हो और उसको हमने 0 बना दिया हो। ठीक है, इसलिए हम प्लस सी लगाते हैं इसमें। तो ये पहला फॉर्मूला है हमारा, ये नोट कर लो आप। पावर में प्लस 1 हो जाता है और अपॉन में प्लस 1 कर देते हैं। इस पर कोई कुछ क्वेश्चन बेस है, वैसे पूरी इंटीग्रेशन में आपको ये हेल्प करेगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आते हैं इसमें। बेसिक लेवल के आते तो नहीं है, मतलब आगे जाके थोड़ा काम आएंगे क्वेश्चंस में। जैसे इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को ऊपर ले जाएंगे और माइनस हो जाएगी पावर। अब ये सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। और इसमें एक चीज़ और कि एन जो है कभी माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये तो माइनस 2 है, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, माइनस 2 चलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस 1 और अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, x की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल है बहुत। अब जैसे क्वेश्चन हो गया, इसी बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें भी सेम वैसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। इसमें भी अब सेम, एक बार प्लस 1 ऊपर, फिर दोबारा पावर को नीचे लिखकर उसमें प्लस 1 प्लस सी। और बाकी इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे अब आप। तो ऐसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन का जो बेसिक लेवल है। अब मैं आगे फॉर्मूला बताता हूँ, ये तो बहुत कम आएगा आपको कि पावर में प्लस 1 अपॉन में पावर, फिर प्लस 1, फिर प्लस सी। प्लस सी लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना हाफ मार्क्स कट जाता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे, या आप नोट कर लो एक बार।
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन ये होता है और इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो आ गया ये, ठीक है। इस बेसिस पे ये सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स क्यों हुआ, माइनस कॉस एक्स का एक बार डेरिवेटिव करो, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स और कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे साइन एक्स है। मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इस बेसिस पे ये सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। तो इस बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलेज हैं, ये आप नोट कर लो। हमने पढ़ा था कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और बाहर माइनस लगाए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इसलिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का जब भी इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स लिख देंगे सिर्फ तो माइनस आ जाएगा, इसलिए उसको प्लस करने के लिए हमने क्या किया, माइनस लगा दिया बाहर, तो माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, जो भी डेरिवेटिव होगा ना उसका वो इंटीग्रेशन होगा, बस सिंपल सी बात है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, बस ये फॉर्मूले हैं, आप थोड़े नोट कर लो। और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। अब ये देखिए a की पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन में log a, ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होगा, करके देख लो आप, a की पावर x अपॉन में log a, नीचे वाला तो कॉन्स्टेंट है तो नीचे का सेम ही रहेगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो क्या होगा, a की पावर x इंटू में log a, ये दोनों कट गए, आ गया a की पावर x, इसलिए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो ये थोड़े फॉर्मूले हैं, वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी, वन बाय एक्स का क्या होगा log x, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। मैंने बताया था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स बस ये इतने ही फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मोड आएगा यहाँ पे हर जगह, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैंने आपको बताया था जब डेरिवेटिव करते हैं और कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ हो तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहता है और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में है कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन हम फंक्शन का करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट है, ए ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, पावर प्लस हो जाती है थ्री हो जाएगी और नीचे भी प्लस हो जाएगी थ्री प्लस, अब बी सेम रहेगा, एक्स की पावर वन है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्लस वन, और नीचे भी प्लस वन तो टू, और सी का क्या होगा गेस कर सकते हैं, देखिए सी के साथ वन है प्लस सी हो गया, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करो क्या होगा, सी आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, और प्लस में के लिखेंगे इधर, प्लस में सी लिखते थे अभी तक, यहाँ पे क्योंकि यूज़ हो चुका है सी इसलिए हमने के लिख दिया, क्योंकि कोई सा भी कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं इधर, ठीक है। वैसे ज़्यादातर सी होगा लेकिन अगर सी पहले यूज़ हो जाए तो हम के का यूज़ कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आपके सामने, देख लीजिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ब्रैकेट वाला है ना तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अंदर, ये क्या हो जाएगा एक्स वन बाई टू, और ये
एक्स वन है और इन टू में एक्स वन बाई टू हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस होकर क्या हो जाएगी थ्री बाई टू डी एक्स। अब सिंपल है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें भी प्लस कर देंगे पावर में वन और नीचे भी प्लस वन, और इसमें भी प्लस वन और इसमें भी प्लस वन और प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू, एक्स की पावर फाइव बाई टू अपॉन में फाइव बाई टू प्लस सी। तो ये इसका आंसर है, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का सेवन्थ क्वेश्चन है, देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट है, दोबारा सॉल्व कर दो पहले ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन। अब देखो इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस वन कर देंगे, नीचे भी प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। तो इसका आंसर हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उसमें। और एक एनसीईआरटी का नाइन्थ क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, सेम होगा क्योंकि डेरिवेटिव भी सेम होता है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, बाकी आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, बस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस तो करवा नहीं सकता। ठीक है, और कोई अगर क्वेश्चन आपको भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बता दो, तो मैं वीडियो बना कर डाल दूँगा। वैसे आप भी ट्राई करना, कहीं ये ना हो कि आप सारे क्वेश्चन मुझसे ही करवा लो। ठीक है, अब ये इलेवंथ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें क्या करेंगे, अपॉन में ये, अब इसमें कोशेंट रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल कुछ भी नहीं लगता इसमें, वो सिर्फ डेरिवेटिव में लगता है, इसमें नहीं प्रोडक्ट रूल, नहीं चेन रूल, नहीं कोशेंट रूल। ठीक है, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सबके नीचे एक्स स्क्वायर कर दो, क्योंकि सबका बेस ये है तो अलग अलग लिख सकते हैं हम। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक एक्स से, दो एक्स से, दो एक्स कट गए। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स प्लस फाइव माइनस, इसको ऊपर ले जाओ, अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था ऐसे ही। तो अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, फाइव एक्स का फाइव एक्स, फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि वन है साथ में, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फोर, और इसका पावर में प्लस वन अपॉन में प्लस वन और प्लस सी। ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगती है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, फाइव को पहले एक्स के ऊपर ले जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए बाय लॉग ए की पावर एम इजिकल टू एम लॉग ए, तो हमने उल्टा फॉर्मूला लगाया, देखिए जैसे होता है ना, लॉग ए की पावर एम इजिकल टू एम लॉग ए, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे ये किया। ठीक है, अब माइनस ई लॉग एक्स फोर ई लॉग एक्स थ्री माइनस ई लॉग एक्स स्क्वेयर। अब इसमें एक आपको भी नहीं पता होगा कि अब मैं जो फॉर्म लगाने जा रहा हूँ, ई की पावर लॉग जब भी हो तो वो कट जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई लॉग एक दूसरे से कट जाएंगे, वन हो जाएगा एक्स की पावर फाइव और यहाँ पे एक्स की पावर फोर, ये एक्स की पावर थ्री और एक्स की पावर टू डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर से एक्स फोर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचाइए, नीचे से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कट गया, ये टू कट गया, तो बचा क्या,
एक्स स्क्वायर डी ए। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, पावर में प्लस वन, नीचे प्लस वन, प्लस सी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अब नेक्स्ट वीडियो में और करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, जिससे कि आप मेरे और भी वीडियो देख सकें और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ट्रिक के साथ, एकदम जो आपने स्कूल नहीं ट्यूशन में कहीं देखे होंगे, ऐसी ट्रिक्स करवाऊंगा मैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस आती रहे और आप वीडियो देखें, क्योंकि पेपर भी बहुत पास ही हैं फर्स्ट टर्म के, उसमें कहीं बच्चों का इंटीग्रेशन भी आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो ट्यूशन में तो चल ही रहा होगा ना। तो बस डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो देखें, और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी के सिंपल वे से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।